ताइवान ने खुलेआम किया चीन को रोकने का ऐलान। भारत से कहा नीतियों में करे बदलाव। अब भारत ताइवान करेंगे चीन को धूमिल। वहीं जर्मनी से आई भारतीयों के लिए खुशखबरी। इतने कम पैसों में करे जर्मनी की यात्रा। साथ ही अमेरिका को भारत की कड़ी चुनौती। प्रतिबंधों के बाद भी ईरान से करेगा बड़ा व्यापार। नहीं रोक पाएगा पश्चिमी समाज। दोस्तों 800 अरब डॉलर से ज्यादा की अर्थव्यवस्था और सेमीकंडक्टर चिप को बनाने में महारत के साथ ताइवान विश्व के कुछ सबसे महत्वपूर्ण देशों में से एक है। जब ताइवान की तरफ से सेमीकंडक्टर चिप की कमी सामने आई थी, तब इसका प्रभाव पूरी दुनिया के साथ साथ अमेरिका में भी बखूबी देखने को मिला, जिससे ये बात तो साफ हो गई थी कि ताइवान कोई आम छोटा मोटा देश नहीं। ताइवान मौजूदा समय में वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, लेकिन चीन ताइवान को अपना एक हिस्सा मानता है और अक्सर अपनी विस्तारवादी नीतियों की वजह से ताइवान के साथ विवाद बढ़ाने की कोशिश में रहता है, जिसके तहत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर हमेशा खतरा मंडराता रहता है। ऐसे में अमेरिका और पश्चिमी देश ताइवान के समर्थन में उतर आए हैं। वहीं पर भारत भी कहीं ना कहीं ताइवान का समर्थन तो करता है, लेकिन अपनी नीतियों की वजह से भारत खुलकर इस पर बयानबाजी करने से बचता है। लेकिन अब ताइवान की तरफ से एक ऐसा बयान सामने आया जो कि भारत की नीतियों को हमेशा के लिए बदल सकता है। दरअसल दोस्तों, भारत में मौजूद ताइवान के एनवॉय ने अब ये बात खुलेआम कह दी है कि भारत और ताइवान के अथॉरिटेनिज्म यानी कि चीन जैसी मानसिकता वाले देशों से निपटने के लिए एक साथ आना चाहिए और संयुक्त तौर पर काम करना चाहिए। केवल तभी हम चीन के आक्रामक और विस्तारवादी रवैये का सामना कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इस बयान से पहले ताइवान ने कभी भी भारत का समर्थन नहीं मांगा हो और भारत के ऊपर कोई बयान ना दिया हो, लेकिन ये बयान अलग है क्योंकि इसमें साफ तौर पर भारत और ताइवान का नाम लिया जा रहा है। वहीं पर खुद ताइवान के एनवॉय ये बात साफ तौर पर कह रहे हैं कि भारत को अपनी नीतियां बदलनी चाहिए ताकि दोनों देश मिलकर चीन का सामना कर सके। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ताइवान की तरफ से ऐसे बयान तब आने शुरू हुए जब भारत और ताइवान की आर्थिक साझेदारी एक नए स्तर पर पहुंच चुकी है। ताइवान भारत के साथ सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में काफी तेजी से मिलकर काम कर रहा है और भारत के अंदर 20 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश करने जा रहा है। इसके अलावा ताइवान और भारत की कई प्राइवेट कंपनियां एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। दोस्तों, इससे ये बात तो साफ हो गई कि अब ताइवान भारत के लिए बेहद ही ज्यादा आर्थिक महत्व रखता है, इसलिए अब ताइवान भारत के साथ चीन के खिलाफ मिलकर साझेदारी करने की बात खुलेआम कर सकता है। भारत के साथ अपनी साझेदारी को और मजबूत करने के लिए और अपना आर्थिक महत्व और ज्यादा बढ़ाने के लिए ताइवान अब भारत के साथ 5G के क्षेत्र में मिलकर काम करने वाला है, जिसके तहत ताइवान की कंपनी मीडियाटेक और एक भारतीय प्राइवेट कंपनी इन्वेडिस 5G वाईफाई और राउटर को भारत के अंदर स्वदेशी रूप से मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। रेफरेंस के लिए आप आर्टिकल का स्क्रीनशॉट अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, मीडियाटेक और इन्वेडिस के इस कदम से भारत की 5G वाईफाई और राउटर की जरूरत को स्वदेशी रूप से पूरा किया जा सकेगा। ये तकनीक अभी तक भारत के अंदर ज्यादा विकसित नहीं हुई थी। अभी तक भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर वाईफाई और राउटर या तो चाइना से या फिर विश्व के अलग अलग देशों से आयात करता था, लेकिन अब ताइवान की कंपनी मीडियाटेक और एक भारतीय कंपनी इन्वेडिस के साथ मिलकर काम करने से बहुत ही जल्दी 5G राउटर वाईफाई को मैन्युफैक्चर किया जा सकेगा। साथ ही इस क्षेत्र में तकनीक का विकास भी काफी तेजी से होगा। बहरहाल दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, जर्मनी ने भारत के लिए एक ऐसा फैसला ले लिया है जिसने न केवल भारत को बल्कि अमेरिका को भी चौंका दिया है। दरअसल जर्मनी का ये फैसला कई भारतीयों के लिए काफी अच्छा साबित होगा और इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत और जर्मनी के रिश्ते पहले के मुकाबले काफी ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों, जर्मनी ने भारतीयों के लिए अपने देश की नेशनल और टूरिस्ट वीजा की फीस को कम कर दिया है और एक आम भारतीय जो कि जर्मनी जाना चाहता है उसे वीजा पाने के लिए केवल 6,000 भारतीय रुपए ही देने होंगे और अगर भारतीय की उम्र 17 साल से कम है यानी कि अगर वे माइनर हैं तो उसे केवल 3,000 ही देने होंगे, जबकि वहीं पर अमेरिकी वीजा के लिए 12,000 से 15,000 देने पड़ सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो जर्मनी ने भारतीयों के लिए अपने वीजा की फीस काफी हद तक कम कर दी है, जिससे कई भारतीय बड़ी आसानी से जर्मनी की यात्रा कर सकेंगे। इसके अलावा जर्मनी भारतीयों को काफी जल्दी वीजा प्रदान करने की सुविधा भी उपलब्ध कराने जा रहा है, जिससे आम भारतीयों का जर्मनी में प्रवेश करना आसान हो जाएगा। दोस्तों, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जर्मनी भारतीयों को ये खास सुविधा तब प्रदान कर रहा है जब अमेरिका एक आम भारतीय को वीजा के लिए 1 से लेकर 2 साल तक का इंतजार करा रहा है। इसके अलावा 2 साल से अमेरिका ने अभी तक भारत में अपने एम्बेसडर को नियुक्त नहीं किया, जो कि भारत और अमेरिका के रिश्तों में अभी भी एक दरार का कारण बना हुआ है। दोस्तों, जर्मनी का ये कदम भारत और जर्मनी के रिश्तों को और अच्छा कर देगा क्योंकि अब भारतीय आसानी से जर्मनी के अंदर प्रवेश ले सकेंगे, जबकि भारत को अमेरिका से यह सवाल करना चाहिए
कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि वो ना तो भारत के अंदर अपनी एम्बेसी और काउंसलर को 100% स्टाफ की नियुक्ति कर रहा है और ना ही भारत में अपने एम्बेसडर को नियुक्त कर रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपके हिसाब से क्या भारत को ताइवान के साथ अपने रिश्तों को सामान्य करना चाहिए या नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब दोस्तों, जहां ये सब कुछ चल रहा है, वहीं अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते भले नहीं संभल रहे हों, कहीं ना कहीं किसी न किसी बात पर दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है। कभी अमेरिका रूस को लेकर भारत को निशाना बनाता है, तो कभी पाकिस्तान की मदद करके भारत को उकसाने की कोशिश करता है। इसलिए भारत ने भी अमेरिका को साइड करते हुए एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है, जिससे अमेरिका जल भुन रहा है। तो चलिए दोस्तों, भारत के अमेरिका के खिलाफ लिए गए इस फैसले के बारे में जानते हैं। दरअसल दोस्तों, भारत ने अमेरिकी प्रतिबंधों को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए ईरान के साथ रुपए रूबल ट्रेड मैकेनिज्म स्थापित करने का फैसला लगभग पूरी तरह से पूरा कर लिया है, जिसके तहत भारत ईरान के साथ एक बार फिर से अपना व्यापार शुरू कर सकता है। वहीं पर दोनों देश इससे काफी ज्यादा फायदा भी उठा सकते हैं। साल 2019 के पहले भारत ईरान से अपनी जरूरत का 10% तेल खरीदा करता था, लेकिन अमेरिका के द्वारा ईरान पर लगाए गए काफी भारी प्रतिबंधों की वजह से भारत ने ईरान के साथ व्यापार बंद कर दिया। लेकिन अब जब भारत इन चीजों को समझ चुका है कि अमेरिका भारत के हितों को दरकिनार करते हुए केवल अपनी मनमानी कर रहा है, तो ऐसे में भारत के लिए अमेरिकी प्रतिबंधों को मानने का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए भारत बहुत जल्दी ईरान के साथ अपना व्यापार शुरू कर सकता है, जिसके लिए जल्द ही भारत किसी लोकल बैंक का चुनाव भी करेगा। इस भारतीय लोकल बैंक की सहायता से भारत और ईरान एक दूसरे की करेंसी में व्यापार कर सकेंगे, जिससे दोनों देशों का व्यापार एक बार फिर से शुरू हो जाएगा। वैसे दोस्तों, आपका भारत के इस फैसले पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी खबरें भारत और ताइवान के बीच सेमीकंडक्टर चिप और साथ ही 5G वाईफाई और राउटर को लेकर, जहां दोनों देश चीन को कड़ी टक्कर देने वाले हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जर्मनी ने भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है, जिससे भारत और जर्मनी के रिश्तों को एक नया आयाम मिला है। भारत अपनी दोस्ती का जलवा इस कदर बिखेर रहा है कि अब वो ईरान से भी अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद तेल खरीदेगा। वैसे दोस्तों, आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें, फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।